आज हम बनाएंगे नानी दादी की तरह शक्कर का पराठा। उसके लिए मैंने आधी कटोरी शक्कर ली है। शक्कर को हम पीस कर लेंगे, क्योंकि पूरी शक्कर यूज़ करने से कभी कभी पराठा फूट जाता है, इसीलिए शक्कर हम पीसेंगे। शक्कर को एक मिक्सी जार में निकाल देते हैं। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी हम शक्कर के साथ बारीक पीसेंगे। शक्कर हमारा पीसकर रेडी है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। पराठे का बैटर हमारा तैयार है। आटा मैंने गूंद कर रखा था। नॉर्मली पराठे के लिए जैसा आटा गूंदते हैं वैसा ही आटा गूंद कर लेना है। उसे सूखा आटा लगाकर थोड़ा बेल लेते हैं। थोड़ा बेलने के बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे घी। आप तेल भी लगा सकते हो। उसके ऊपर डाल देते हैं शक्कर और इलायची का बैटर और इसे इस तरह बंद कर लेते हैं। ये पराठा बहुत ही आसानी से बन जाता है, 5 मिनट में तैयार होता है। इस तरह हम इसे बंद कर देते हैं। बीच में हमें दबा कर लेना है ताकि शक्कर का बैटर चारों ओर फैल जाए। सूखा आटा लगाकर पराठा बेल कर लेते हैं। बच्चों को टिफिन में भी रोज क्या दे, ये सवाल रहता है। कभी कभी हम ऐसा पराठा भी बनाकर दे सकते हैं। पराठा बेलकर हमारा रेडी हो चुका है। हमने दूसरे गैस पर तवा गर्म होने के लिए रखा है। इस तरह हल्के हाथ से हम पराठा पूरा बेल लेते हैं। तवा गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम पराठा डाल देते हैं और पराठे की अच्छी सी उलट पुलट कर सिकाई कर देते हैं। पराठे को हम अब घी लगाएंगे। अच्छे से घी लगा कर लेंगे। और पराठे को पलट लेंगे। पराठा हमारा अच्छे से फूलने लगा है, आप देख सकते हो। उसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे। इस तरह हमारा पराठा रेडी है, निकाल लेते हैं। खाने के लिए तैयार है हमारा शक्कर पराठा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। रेसिपी एक बार ज़रूर बनाकर देखना, अपने बच्चों को भी खिलाना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।